हो गया स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे वाले, सब एकदम बढ़िया है ना? आज हम आगे जाने से पहले ना बेटा, जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सबको कहीं ना कहीं तो हम खुद भी देखते ही हैं ना, हमारे बच्चे कितना खुश हैं, है ना, कैसे कैसे उनके कमेंट आते हैं। और आप ये जो कमेंट्स करते हो, ये सारी चीज़ें हमें कभी बुरी नहीं लगती है, क्योंकि इनसे ही हम हमारी गलतियों को सुधारते हैं। कई बार हमारे बच्चे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, कभी टीचर भी शायद ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा ही मैंने कुछ देखा था, स्टार्टिंग जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें शायद दो क्वेश्चन थे जिसको लेके एक स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स थे। शायद या तो उनको मेरी बात समझ में नहीं आई थी, हो सकता है उन्होंने कुछ पढ़ा हो सकता है मेरे समझाने का तरीका उनको पसंद नहीं आया हो या समझ में नहीं आया हो। तो मैंने जो कमेंट देखे थे, देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ाते हैं आपको गाइडेंस करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी हमसे गलतियां नहीं होती, हो सकता है हो जाए, लेकिन जिन दो क्वेश्चंस पे एक स्टूडेंट ने कमेंट दिए हैं उन क्वेश्चंस पे मेरे आंसर अब भी वही हैं जो पहले थे। अब उनमें आके और उनको प्रॉब्लम कहाँ हुई है, उन्होंने कहा कि मैम आप इसे और अच्छे से समझाते, आंसर की तो बोर्ड ने भी दे रखी है। जहाँ तक मेरे समझाने का है तो शायद मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, कई बार मैम की बात समझ में नहीं आए। तो आगे जाने से पहले मैं उन दो क्वेश्चंस को तो वापस से लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इतना सा भी हमारे माइंड में नेगेटिव रह गया या इतना सा भी हम क्लियर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बस ये चीज़ रह जाती है कि नहीं, मैम ने इस चीज़ को गलत पढ़ा दिया। आपके कमेंट मैंने देखे थे, उसमें किसी स्टूडेंट के दो क्वेश्चंस को लेके और कमेंट थे, वो दोनों क्वेश्चंस क्या है और वो उन्हें किस तरह से समझना चाहते थे। तो हम आज पहले उन्हीं दो क्वेश्चंस पे फिर से बात करेंगे, और उसके बाद हम हमारी क्लास को ना आज एक बहुत कुछ नया लेकर आए हैं, वहाँ चलेंगे। लेकिन पहले, क्योंकि इस चीज़ ने कहीं ना कहीं मैम को भी टेंशन दी है कि मेरा प्रयास बेटा अपनी तरफ से 100% होता है, लेकिन फिर भी अगर हमारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया तो ये हमारा भी फर्ज है कि उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाना। वरना जो सबकी एक मेंटेलिटी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में जो डिफरेंस करते हैं वो सही हो जाता है। अब भी जो हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं, अगर उनको यहीं रोक दिया, इन कमेंट्स पे ध्यान ना देकर अगर हम आगे ही चलते रहे, तो ये दो कमेंट ही कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स को कुछ भी ऐसा समझ में ना आए, और जो कमेंट वो देते हैं उनका फिर अगर सॉल्यूशन ही ना हो तो मतलब ही नहीं है। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैम ही पूरी तरह से सही हो सकता है कई जगह मुझसे गलती हो जाए, आप सही हो, लेकिन अगर मैं गलत भी हूँ तो भी आप लोग उसे कमेंट में डालिए, ताकि वो चीज़ मैं खुद देख लूं। और अगर मैं गलत हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, अगर कोई कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, तो मैं भी अपने में सुधार कर लूं। तो आगे जाने से पहले आज पहले हम हमारे उन दो क्वेश्चंस पे आएंगे जिनको मैं साथ लेकर आई हूँ। अब वो स्लाइड तो हम वापस नहीं ला रहे, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं दोनों साथ लेकर आई हूँ, और वो क्वेश्चंस हैं हमारे हमारा एक क्वेश्चन था जो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, और उस फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन था उसमें था कि निम्न में से कौन से सीखने के सही उत्तर है, सीखने का सही उत्तर। और ये जो सीखने का सही उत्तर था, इसमें ऑप्शन थे, ऑप्शन में मैं सिर्फ जो राइट आंसर है उसको लिख रही हूँ, कि एक क्रम पूछा था उसमें, और उस क्रम में जो हमारा राइट आंसर था वो था
तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध और प्रज्ञान। स्टार्टिंग में जो मेरी क्लास थी उसमें ये एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अपनी तरफ से डिफाइन भी किया था, लेकिन फिर भी शायद किसी बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी और उसने कहा कि मैम आंसर तो आंसर की में ही डाल दी थी बोर्ड ने, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से डिफाइन करते तो ज़्यादा बेटर था। उन्हें बोध और प्रज्ञान में डिफरेंस समझ में नहीं आया था कि ज्ञान बोध और प्रज्ञान। इस क्वेश्चन को हम वापस से करेंगे क्योंकि इस एक क्वेश्चन की वजह से आगे मैं भी नहीं जा पाई, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ वहाँ आगे कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि नहीं, फिर समझाने का मतलब नहीं निकला। मैं अपनी तरफ से आप सबको 100% देती हूँ, फिर कह रही हूँ अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आपको मेरे पढ़ाए में कुछ भी गलत लगता हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ये सब ऐसा नहीं है कि हम एक बार बस स्पीड बांधने के बाद पीछे चलते ही नहीं है, देखते भी हैं, अगर कहीं गलतियां हैं तो उन्हें सुधारते भी हैं, और इसीलिए इन दोनों क्वेश्चंस को मैं वापस लेकर आई हूँ। हमारा क्वेश्चन था ये कि सीखने का सही उत्तर कौन सा है। ओके और इसमें जो मैंने आंसर दिया या बोर्ड ने जिस आंसर को माना वो था ये, क्रम पूछा था इन सबका। अब जो मैंने समझाया था कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कोई फैक्ट मिलता है, सबसे पहले हमें कोई फैक्ट या कोई वस्तु मिल जाती है। अब वो जो चीज़ हमें मिली है या जो विषय वस्तु है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, अपने रिसर्च को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें कोई फैक्ट मिलता है। हमने से एक फैक्ट को पकड़ लिया, इसको पकड़ते जब हम हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। किससे रिलेटेड? इस फैक्ट से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, अब जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई कैसे आई। पीछे तक जाते हैं क्या कि हमसे ये गलतियां हुई जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई या हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पहले हमारे पास एक फैक्ट आया, जो भी फैक्ट हमारे पास आया उससे रिलेटेड पिछली सारी सूचनाओं को हमने क्या किया, इकट्ठा किया। अब जब हमने ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली तो क्या किया, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करना नॉलेज कि ये फैक्ट था, इससे रिलेटेड हमने कुछ सूचनाएं इकट्ठी की, और सूचनाएं इकट्ठी करने के बाद हमने क्या किया, उससे रिलेटेड इंटेलेक्ट। क्या है ये? नॉलेज है बेटा। पहली बात तो ये कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो यही रहते हैं कि कई वर्ड्स की तो हम सच में इंग्लिश नहीं जानते। हमारी जो बुद्धि होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। लेकिन अगर सच में अगर हम बात करें तो बुद्धि को इंटेलिजेंस ना बोल के बोलते क्या है, इंटेलेक्ट। बोलते क्या है, इंटेलेक्ट। और ये जो प्रज्ञान है, ये प्रज्ञान है इंटेलिजेंस। प्रज्ञान को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। लेकिन इन दोनों को हम एक ही पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी इसी का पार्ट है, वरना हमारा ज्ञान प्राप्त करना, अब ये जो ज्ञान प्राप्त करना था ये था क्या, ये नहीं कि इससे क्या हो गई हमारी सारी रिसर्च का ही काम खत्म हो गया। ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना। यहाँ हमारा जो फैक्ट था उससे रिलेटेड हमने सूचना इकट्ठी कर ली है, अब सूचना इकट्ठी करके हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, समझ को विकसित कर रहे हैं। और जब हमारी ये समझ विकसित हो जाती है, हमने उस चीज को समझ लिया है, तो क्या होता है, ये बोध होता है। अब ये बोध क्या होता है, उस बच्चे को ये बोध भी समझ में नहीं आया था कि बोध क्या होता है, कि बोध और प्रज्ञान में डिफरेंस क्या है। तो बोध के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति होता है, इंद्रियां तो सब में ही होती है ना,
कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक ज्ञान के साथ, जो व्यक्ति अपने वास्तविक ज्ञान के साथ अपनी इंद्रियों को जोड़ता है, जब व्यक्ति अपने वास्तविक ज्ञान के साथ अपनी इंद्रियों को जोड़ता है और अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब वो उन दोनों के अंदर किसमें ज्ञान या फिर जो समस्या थी, जो इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठी की थी, उस इन्फॉर्मेशन और उस जो समझ थी उसके बीच में क्या करता है, अपने बोध को एनालिसिस करता है कि ये चीज़ कहाँ तक सही है। तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष चीज़ें पड़ी है उसका जब व्यक्ति अपने अंतर्मन से जब उस चीज़ का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा बोध कहलाता है। कि जो हमने समझ विकसित कर ली, यहाँ पे जो नॉलेज थी समझ विकसित कर लिया, उसके बारे में जान लिया है, अब उसके बारे में जानकर और हम क्या कर सकते हैं, जब ये चीजें हम अपने अंतर्मन के माध्यम से जोड़ते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब इन चीजों का सवाल ढूंढते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा बोध। और एक लास्ट में हमारा था कि प्रज्ञान, कि फैक्ट था, उसके लिए सूचनाएं हमने इकट्ठी कर ली, ज्ञान प्राप्त हमें हो गया, बोध हम कर चुके हैं, अब ये था कि प्रज्ञान, कि प्रज्ञान क्या था, कि लास्ट में आके हमें प्रज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब ये प्रज्ञान क्या था। कहा जाता है कि ज्ञान का मतलब तो होता है जानना और समझना या समझ को विकसित करना, लेकिन प्रज्ञान का मतलब होता है निर्णय, विवेक। कि जहाँ आके व्यक्ति, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि बुद्धि और प्रज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बुद्धि जहाँ खत्म हो जाती है उसके आगे हमारा ज्ञान काम आता है। अब ये नहीं कि बुद्धि खत्म हो गई, लेकिन हम लोगों को हकीकत में ये नहीं पता होता कि हमारी बुद्धि का काम कहाँ खत्म हो जाता है और हमारे प्रज्ञान कहाँ से शुरू हो जाता है। ये प्रज्ञान होता है हमारा विवेक। हमने जब ये चारों चीजें की थी उसके आधार पे लास्ट में हम जिस चीज पे पहुंचे वो क्या था, हमारा प्रज्ञान। ये प्रज्ञान हमारा क्या था, निर्णय। कि हमने शुरुआत तो किससे की थी, एक फैक्ट से की थी, लेकिन लास्ट में जाके हम जिस निर्णय पे पहुंचे वो निर्णय ही हमारा क्या है, ये प्रज्ञान था। उस बच्चे को ये ज्ञान और प्रज्ञान इन दोनों में कन्फ्यूजन था, ये उसे ये बात समझ में नहीं आई थी। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि बुद्धि और प्रज्ञान या ज्ञान और प्रज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन प्रज्ञान ज्ञान से भी ऊपर की स्थिति आ जाती है। जब व्यक्ति यहाँ आके अपने निर्णय और अपने विवेक से काम लेने लग जाता है तो ये क्या होती है, हमारी प्रज्ञान से जुड़ जाती है। और ज्ञान हमारा हर चीज से रिलेटेड होता है, जहाँ हम जानते हैं समझते हैं, लेकिन जानने और समझने के बाद व्यक्ति अपने वास्तविक और अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस निर्णय तक पहुँचता है वो निर्णय क्या कहलाता है, प्रज्ञान। कोई कन्फ्यूजन है? अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। हमारा एक क्वेश्चन था ये, और दूसरा क्वेश्चन एक और था हमारा एक दूसरा क्वेश्चन और था, और वो क्वेश्चन था परिपक्वता। वर्ड तो था ये कि क्या परिपक्वता के द्वारा अधिगम में, क्या परिपक्वता के द्वारा अधिगम में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ ऐसा ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को क्या अधिगम कहते हैं? परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को क्या अधिगम कहते हैं? और मैंने आपको इसमें आंसर बताया था नहीं।
मैंने इसमें आपको इसका आंसर दिया था नहीं, कि नहीं होता। ये बात भी शायद उस स्टूडेंट को समझ में नहीं आई थी। ये क्वेश्चन भी उन्होंने कमेंट में डाला और इसको लेके भी उनका कुछ अपना कमेंट था। अब हम बात करें इस परिपक्वता की। जब हम लोग अधिगम को पढ़ते हैं, जब हम लोग अधिगम की यूनिट पे बात करते हैं, तो उसमें एक टॉपिक हमारा आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जब हम बात कारक की करेंगे तो वहां हमारा परिपक्वता आता है, वहां हमारी परिपक्वता काम आती है। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा? इस परिपक्वता के द्वारा। कि व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या परिपक्वता उसमें सहायता करती है? तो उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी अधिगम की परिभाषा, और उस अधिगम में हमने एक चीज लिखा था अपेक्षित या फिर स्थायी परिवर्तन। अब ये अपेक्षित और स्थायी परिवर्तन क्या होता है, पहले तो हम इसकी बात करें। स्थायी परिवर्तन और अपेक्षित कि अधिगम या तो पूरी तरह हो जाए, गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से ही व्यवहार स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, कि लाइफ में बस कभी चेंज ही नहीं होना, लेकिन पूरी तरह से ना होकर इतना तो होता है कि वो बहुत आसानी से खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई चीज सीखी और सेकंड डे में उसे भूल जाऊंगी, ये नहीं होता। हमारा अपेक्षित स्थायी परिवर्तन है ही क्या कि अगर व्यक्ति ने आज उसे सीख ली तो ऐसा नहीं होता कि वो उसे 10-15 दिन में भूल जाएगा। नहीं, अगर अधिगम पूरी लाइफ के लिए व्यक्ति किसी चीज को नहीं सीखता है तो बहुत लंबे समय के लिए तो सीख लेता है। तो ये अपेक्षित और जो स्थायी परिवर्तन था, ये क्षण भर के लिए नहीं होता। अब हमारी परिपक्वता, हमारे अधिगम में परिवर्तन जब आ रहा है तो इस परिपक्वता को हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? एक छोटा बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, शैशवावस्था उसकी में अभी वो है। अब जब वो इस शैशवावस्था की स्टेज में है, आज वो कुछ भी कर रहा है, वो सारी चीजें उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में है। सपोज करो शैशवावस्था से जब ये बालक बाल्यावस्था में जाता है, तो जो बच्चा 2 साल का काम करता था, ठीक है, कि सामने गया बड़ा भाई है और उसकी पिटाई कर दी, हमने उसे डांटा, उसे ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि क्या थी? शैशवावस्था। यहाँ आके बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, और उसमें हमने पहले भी पढ़ा था किसका विकास नहीं होता, नैतिकता का विकास नहीं होता। लेकिन जब ये 2 साल का बच्चा आगे जाके 8 साल का हो जाएगा, तो क्या तब भी वो अपने बड़े भाई को मारेगा? और अगर मारेगा तो उसे रियलाइज नहीं होता कि बड़े भाई पे हाथ उठाना गलत बात है? होता है। हमारा अधिगम है ही क्या? सीखना। अब जब ये 2 साल का बच्चा 8 साल तक गया है, तो क्या हमने उसको ये चीजें सिखाई हैं क्या बार बार में, कि नहीं भाई पे हाथ नहीं उठाना? एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, बेटा छोटे में आप उसको कितना ही समझाओ वो उठाएगा। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में जाता है, तो यहाँ तक आते आते उसमें क्या होता है, खुद में मैच्योरिटी आने लगती है, और ये मैच्योरिटी एज के साथ खुद आ रही है। ये परिपक्वता एक बालक में जन्म से लेके और लास्ट टाइम तक किशोरावस्था तक आएगी ना, प्रौढ़ावस्था में जाएगा और मैच्योर हो जाएगा। तो क्या यहाँ हम उसको सिखा रहे हैं क्या मैच्योर होना? नहीं, ये उसकी परिपक्वता है जो उसकी आयु के साथ साथ स्वयं बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने इस परिपक्वता के लिए कहा था कि ये परिपक्वता जब इसके आधार पे किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वो अधिगम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अधिगम का एक छोटा सा अर्थ सीधा सा है, सीखना, और ये सीखना इस परिपक्वता में काम नहीं देता। बालक जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी बॉडी अपने आप मैच्योर होती जाती है, जैसे जैसे उसके विकास होता जाता है, उसमें मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, और कुछ चीजें इंसान अपनी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग अपने आप सीख जाता है, उसको सिखाई नहीं जाती है ये चीजें। और जब हम उसे सिखा नहीं सकते, जब बालक ने उसे सीखा नहीं है, सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया है, तो ये अधिगम में आ नहीं सकता है।
अब भी बता रही हूँ, हमें जब आगे हमारा टॉपिक होता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वहां हमारी परिपक्वता आ जाएगी, परिपक्वता भी आ जाएगी, वंशानुक्रम भी आ जाएगा, ठीक है, कई चीजें आएंगी, हमारी रुचि, अभिवृत्ति, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये सब किस में आ रही हैं? प्रभावित करने वाले कारकों में। अब भी मैंने उस दिन भी कहा था कि परिपक्वता, व्यवहार में परिवर्तन जो आ रहा है परिपक्वता के कारण, वो अधिगम में शामिल नहीं होती और ये आज भी नहीं होती। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में फिर से किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से इसे कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। हम आगे बढ़ने से पहले वापस से इसी को क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी कंफ्यूजन रहेगी हम आगे बढ़ नहीं सकते। क्लियर है? अब मैं आप सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों, लाइव क्लास या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरी पहली क्लास थी और पहली बार ही हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अपनी तरफ से हम आपको 100% देने का प्रयास भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम पर आप सब ने जो मेरा सहयोग किया है, जो प्रेम और स्नेह मुझे दिया है, उन सब के लिए मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि आपका ये जो व्यूज़ हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आके हमें रिफॉर्मेंसमेंट इसी से मिलता है। और ये जो रेनफोर्समेंट हमें मिलता है ना, इसी के आधार पर हम आगे और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ताकि आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आए। इसके लिए हमसे जुड़े रहें। अगर कहीं भी आपको कुछ भी गलत लगता है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, और बॉक्स में आते ही जब भी मैं इसे देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं इसे सॉल्व ज़रूर कराऊंगी। ये तो थी हमारी अब तक जो हमने 4 या 5 क्लासेस ली हैं, ये हमारी थी साइकोलॉजी से रिलेटेड। आज हम कुछ नया लेकर आए हैं और उस कुछ नए में है हमारा टीचिंग मेथड। हमारा नया क्या है? टीचिंग मेथड। और जहाँ तक मुझे पता है, हम लोग रीट की बात कर रहे हैं, तो हमारे रीट में टीचिंग मेथड से कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 के समथिंग आते हैं। 15 आपका फर्स्ट लैंग्वेज, 15 आपकी सेकंड लैंग्वेज, और 15 आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे। सपोज इट, अगर आपका सब्जेक्ट है SST, तो इस SST में से 15 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं? टीचिंग मेथड के। 15 क्वेश्चन आपके कहाँ से आ जाते हैं? हिंदी के टीचिंग मेथड से। और यही 15 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? जो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी, चाहे संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो। टोटली कितने होते हैं? 45। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि टीचिंग मेथड पूरी ही साइकोलॉजी से रिलेटेड है और ये सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी से ही आते हैं, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि हमारे टीचिंग, आप सब लोगों ने क्वेश्चंस तो देखे हैं, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्या हकीकत में उसे पढ़ने की जरूरत होती है क्या? जब टीचिंग मेथड की आप कोई भी बुक खरीद कर लाते हैं, तो किताब को जब हम पढ़ने लगते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कि इसमें पढ़े क्या, क्योंकि टीचिंग मेथड में कुछ फैक्चुअल होता ही नहीं है। उसके लिए आपको पूरी तरह से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसके जवाब आसानी से दे सकते हो, वरना उस किताब को आप कितना ही पढ़ लो, शुरू से लेकर और आखिरी तक बुक खत्म हो जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमने उसे पढ़ा भी है या नहीं। तो ऐसे पढ़ना है क्या? जब पता ही नहीं है तो टाइम पास भी क्यों करें, है ना? अब हम बात करें कि इनमें हमारे साइकोलॉजी का रोल क्या है। तो जरूरी नहीं कि टोटली ये साइकोलॉजी से है, लेकिन हाँ, इसके जो कंसेप्ट आते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करने में हमारा साइकोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और यकीन नहीं है तो ट्राई कर लेना, सच में बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। जब आप लोग साइको को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर करके जब आप क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं, तो वो यहाँ भी काम आता है। टीचिंग मेथड में भी हमारे क्वेश्चंस के जवाब हम इसी के बेस पे दे देते हैं। तो इन टीचिंग मेथड्स में भी हमारा साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, हमारा साइकोलॉजी कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का, और 45 टीचिंग मेथड का। 45 नहीं, कई क्वेश्चंस में जैसे 15 की जगह 12 आ गए, 10 आ गए, तो कहाँ पे
70-75 के समथिंग हमारा साइकोलॉजी हेल्प करता है। अब देख लो 75 नंबर तो घूम फिर के इन दो ही चीजों से आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है ना। और आज हम जो क्वेश्चंस लेके आए हैं, ये क्वेश्चंस भी हम हमारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड ही लेकर आए हैं। तो आज हम टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट में डालना, और आपके कमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका मैं सॉल्यूशन करूंगी, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि जब तक आपकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी हम उस चीज़ को बार 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 पढ़ेंगे। आप तो इतना समझना सामने बैठे और बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्लियर है? तो आज हम कुछ नया स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये हमारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, और रीट 2017 का ये पेपर है। रीट 2017 का ये पेपर है और उसमें ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें अब आप लोग देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? आंसर सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, पहला जॉन डीवी, दूसरा स्मिथ, तीसरा ब्लूम और चौथा आई के डेविस। हमारे जो कहते हैं ना फैक्ट उठाते हैं, ये फैक्ट बस यहाँ से ये दो चार क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ये वर्ड दे दिया। ये वर्ड दिया है एक उद्देश्यों में है क्या हमारी एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है? तो ये वर्गीकरण किसने दिया था हमारे, ये दिया था स्मिथ ने, और इस स्मिथ का पूरा नाम क्या था, पीवी स्मिथ ने। तो इसमें हमारा उद्देश्यों में वर्गीकरण किसने कर दिया, पीवी स्मिथ ने। आगे जाके हमारे ये भी आ रहे हैं, ब्लूम ने भी वर्गीकरण किया था, लेकिन इस ब्लूम ने वर्गीकरण किस आधार पे किया था, विषय वस्तु के आधार पे। किसके आधार पे किया था, विषय वस्तु के आधार पे। और हमारे जॉन डीवी को तो हम बोलते ही हैं क्या, समस्या समाधान। क्या बोलते हैं इनको हम, समस्या समाधान। कि समस्या समाधान किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किया था हमारे जॉन डीवी ने, लेकिन उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, हमारे स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को देखिए कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। अब देखिए आप इसमें क्या है, पहला विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर अब इसका आप लोग देखिए। तो इसमें हमारा देखिए, विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, ऑप्शन तो ये दो हैं। अब आप बताइए कि इस पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? तो इस पाठ्यक्रम में शामिल क्या है, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं। क्या है, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो होता किस बेस पे है, छात्र केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है। अब हमारा जो पाठ्यक्रम है क्या उसके अंदर हमारे विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं थोड़ी ना संबंधित होती हैं, कि हमारा विद्यालय कैसा होना चाहिए, कमरे कैसे होने चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे गार्डन होना चाहिए, लॉन ऐसे बनना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में
विद्यालय की इन आंतरिक क्रियाओं का कोई भी रोल नहीं होता है। जब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बालक का विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, या जिन उद्देश्यों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है उनकी पूर्ति करना, और उद्देश्य क्या है? बालक को शिक्षा देना, बालक से जुड़ी हुई। अब उसमें ये बालक कहाँ से आता है? समाज से आता है, तो किससे जुड़ता है? बाहर ही उससे जुड़ता है। एक शिक्षक और एक छात्र दोनों किससे संबंधित हैं? इससे। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो सारा किससे संबंधित होता है? एक छात्र से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा किसको केंद्रित मानती है? छात्र केंद्रित मानती है। और इसमें हमारे विद्यालय की सारी बाह्य क्रियाओं पर बल दिया जाता है, ना कि आंतरिक क्रियाओं पर। तो इसमें हमारा आंसर क्लियर है। आगे चलें। ये देखिए, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? मैं आपको बार बार में कह रही हूँ कि हमारी जो टीचिंग मेथड है इसमें कंसेप्ट बहुत कम होते हैं। मेन बात है कि यहाँ आके आपके कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे टीचिंग मेथड में बहुत कम आते हैं। कई बार तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन ही हमें एकदम सही लगते हैं। चारों के चारों में ही हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक भी गलत नहीं लगता है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही है, क्योंकि आंसर राइट तो बस एक ही है। लेकिन अगर हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस भी हमसे क्लियर हो जाते हैं। बहुत इजी है, बस बात यही है कि इनको लेके हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन देखिए आप, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के अनुरूप, विद्यार्थी के अनुरूप, शिक्षक के अनुरूप और सरकार के अनुरूप। अब जब हम लोग रीट की तैयारी करते हैं तो हमें पता है कि इतना तो हमारा आईक्यू लेवल डेवलप हो जाता है कि ये दो तो नहीं होंगे, कि लेखक अपने अकॉर्डिंग क्या लिख रहा है, पाठ्य पुस्तक उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर लेखक अपने ही अकॉर्डिंग बुक लिखे तो वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। और ना ये कि उसमें रोल कौन प्ले करे, सरकार। किसके अनुरूप? सरकार। कि सामाजिक अध्ययन में पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? सरकार की। जैसा सरकार कहे वैसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। अब हमारे लिए जो कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है वो सिर्फ ये दो हैं, एक विद्यार्थी के अनुरूप और दूसरी शिक्षक के अनुरूप। तो बताइए, और इसमें हमारा जो आंसर है वो है शिक्षक। कई बच्चों ने इस पे कुछ ऑब्जेक्शन उठाया भी था, लेकिन हमारे बोर्ड ने भी इसमें आंसर शिक्षक को ही माना। हमारे कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि जब शिक्षा का केंद्र बिंदु ही बालक है, हमारे मनोविज्ञान का भी केंद्र बिंदु बालक ही है, तो फिर ये जो पाठ्य पुस्तक है ये शिक्षक के अनुरूप कैसे जाएगी? तो देखो स्टूडेंट, पुस्तक तो ये है हमारी, ठीक है, ये हमारी बुक है। इस बुक को पढ़ाता कौन है? ये शिक्षक पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? ये शिक्षक पढ़ाता है। शिक्षक के सामने ये बुक आती है, वो डिफाइन किन के सामने करता है? इनके सामने करता है। अब जब बुक लिखी जा रही है तो अगर वो बुक बच्चों के ही अनुरूप बना दी गई तो टीचर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बच्चे उसे क्या बनवाएंगे कि इसमें एक स्टोरी लिख दो, इसमें ये कर दो। वो तो कितने भी बड़े हो जाएंगे, जब वो अपने अकॉर्डिंग बुक लिखवाने लगे तो शायद हमारी एजुकेशन तो बीच में रह जाएगी, बेचारे टीचर का तो रोल ही खत्म, फिर हम जैसे घर बैठ जाएंगे। यहाँ क्या है कि पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? शिक्षक के अनुरूप। अब ये शिक्षक का काम क्या है कि ये जो करिकुलम है, ये जो बुक है, इसमें जो भी चीजें हैं उनसे अवगत उसको कराए, हमारे छात्रों को करवाए, और इस बुक के माध्यम से क्या करें, बच्चों को ज्ञान दे या शिक्षा प्रदान करे। ये कार्य किसका होता है? एक शिक्षक का होता है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? हमारे शिक्षक के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका किसकी? सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। किसकी बता रही है? चुनाव की।
क्रमिक प्रक्रिया बता रही है या जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह कौन सी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी टीचर है, वो चुनाव की कोई प्रक्रिया है उसके बारे में बालकों को बता रही है या बालकों से बात कर रही है, तो कौन सी प्रविधि है। अब मैं इस वक्त आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ ये, और इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, व्याख्यान विधि। ठीक है, व्याख्या विधि या व्याख्यान विधि। क्या कर रहा है इसमें, इसमें टीचर जो है वो क्या कर रही है, उसकी चर्चा कर रही है। अब टीचर चर्चा कर रही है, ये क्रमिक चुनाव की बात बच्चों को बता रही थी, तो वो क्या कर रही है, इसकी व्याख्या कर रही है। तो ये विधि कौन सी हो गई हमारी, व्याख्या करना। कथन तो तब होता अगर वो बच्चों से ही कुछ पूछती तो, ठीक है, या फिर कोई कथन उनके सामने रख देती। दूसरा परिचर्चा, कि बच्चे भी और टीचर भी मिलकर आपस में किसी भी एक टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, परिचर्चा, आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या हो जाती, परिचर्चा। और प्रश्न पूछना कि अगर इसी चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस टीचर बच्चों से पूछती तो वो क्या हो जाती हमारी, क्या होता, प्रश्न पूछना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो खुद बच्चों को बता रही है, कैसी चल रही है प्रक्रिया, बता रही है कि चुनाव में कैसे कैसे किया जाता है, क्या क्या क्रम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब ये क्या हो रही है, यहाँ आके हमारी टीचर क्या कर रही है, व्याख्यान विधि पर बल दे रही है या व्याख्या विधि पर कार्य कर रही है। आगे हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, हमारा ये जो पेपर है ये रीट 2017 का पेपर है, और आंसर की तो हम सब लोग देख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो अपने क्वेश्चन को देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, और विद्यार्थियों के भाषा के विकास पर। अब इसमें बताइए क्या आएगा इसमें हमारा आंसर, विषय से संबंधित सूचना। ठीक है, एक टीचर होगा, आज मैं हूं तो मैं मेरी साइको की एक्सपर्ट हूं, तो मेरा काम तो क्या है कि मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज दूं। ठीक, तो इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं एक बार के लिए। सेकंड हमारा है, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, और विद्यार्थियों के भाषा के विकास पर। अब हम बात करें तो चलो, विद्यार्थियों के भाषा के विकास पर तो कोई ये नहीं है, अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी तो साइकोलॉजी की कोई स्पेशल भाषा नहीं होती, तो यहाँ आके तो हमारा ये ऑप्शन गलत होता है। दूसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, तो एक सामाजिक अध्ययन का जो टीचर होगा बस उसका इतना ही कार्य नहीं होता कि वो किस चीज़ पर बल दे कि बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करें। ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं। हमारे ऑप्शन थे ये दो, ए और बी। एक तो था विषय से संबंधित सूचना देने पर, और दूसरा था विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अब यहाँ हमारे मोस्टली शायद जो स्टूडेंट्स थे वो करके आए थे ये, कि विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, और एक था ऑप्शन ये, विषय से संबंधित सूचना देने पर। अब इस क्वेश्चन पर आकर और हमारे बच्चों ने रीट लगाई थी, कौन से पे, इस क्वेश्चन पे आके। क्यों? क्योंकि विषय से संबंधित सूचना देना ये भी ठीक है, कि एक सामाजिक अध्ययन का जो टीचर होगा उसका कार्य क्या है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने बच्चों को नॉलेज देना। अब सामाजिक अध्ययन की जब बात करते हैं तो हमारा ये जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है ये जुड़ा ही किससे है, समाज से जुड़ा हुआ है, और जब समाज से जुड़ा हुआ है तो समाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो वैसे ही उस सब्जेक्ट में आ जाती है, उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी है तो ये वैसे भी उस सब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाती है। तो अब इसमें ऑप्शन दो हो गए थे, कि अगर एक टीचर इस पर ही बल देता तो हमारे सामाजिक मुद्दे तो
हमारे शिक्षण सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में भी आते हैं। ये दोनों आंसर सही थे, ये दोनों ही आंसर सही थे, और इसीलिए 2017 में हमारे इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया, और इसमें क्या किया था, बोनस अंक दिए गए थे। इसमें क्या मिला था, सबको बोनस मिला था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही थे। विषय से संबंधित सूचना देना भी ठीक था, और सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति का विकास करना भी ठीक था। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन पे क्या मिला, बोनस अंक मिला था। अब आगे चलिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। देखिए इसे, अब इसका हमारा क्या आएगा, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में, और एक है उपरोक्त सभी। अब इसमें बताएं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थल, और इन ऐतिहासिक स्थलों का क्या है, भ्रमण, कि जो भी ऐतिहासिक स्थल है वहां बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाया जाए, तो ये जो पिकनिक पर लेके जा रहे हैं ये किस चीज में उपयोगी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब बच्चों को पिकनिक पर लेके जाए, हमें बच्चों को ताजमहल के बारे में कुछ बताना है, ताजमहल के बारे में उनको सिखाना। अब यहाँ इस क्लास में बैठकर हम उन्हें ताजमहल की बातें ना बताकर सीधे ताजमहल पर ही ले जाकर टेक दो। लो जी, ले आए कहाँ पे, आगरा ले आए, ताजमहल में। अब जब हम बच्चों को वहां लेकर जाएंगे तो ताजमहल को देखकर ही, ताजमहल से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है ना, अपने आप ही क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, ताजमहल देखने जा रहे हैं। तो इस ताजमहल में क्या हुआ, खुद का इंटरेस्ट। तो ठीक है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, ये भ्रमण उपयोगी है। दूसरा है प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करना। एक तो हम बैठ के यहाँ बताएं कि हमारा जो ताजमहल है वो किससे बना है, सफेद संगमरमर से बना है। किससे बना है, सफेद संगमरमर से बना है। बताते जाओ उसको, एक सीधा वहीं ले जाओ कि ये ताजमहल रहा। बच्चे देखते हैं कि यार ताजमहल किससे बना है, सारा सफेद सफेद है। अब वहां खड़ा होकर टीचर कहेगा कि ये ताजमहल है ना, कैसा बना हुआ है, सफेद बना हुआ है। किससे, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, याद कराने की जरूरत नहीं है। क्लास में याद कराए वे को बालक शायद एक बार भूल भी जाएगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने जो देखा है, प्रत्यक्ष जो अनुभव किया है, उसे वो जल्दी से कभी नहीं भूलता। भूलते हैं क्या बच्चे, आप कहीं भी पिकनिक पर लेके चले जाओ और 1 साल बाद उनसे उस बात को पूछ लो, पिकनिक वाली उस बात को वो कभी भी नहीं भूलते। और ए फॉर एप्पल सुबह याद करा दो और दूसरे दिन उनसे पूछ लो, वापस उस ए में ऐसे बैठ जाते हैं। तो क्या है, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने, कि बच्चे को वहां पर लेकर जब हम उसके बारे में बताते हैं तो क्या होता है, उसकी रुचि उत्पन्न होती है, और प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने से बालक को क्या होती है, सीखने में आसानी होती है। तो हमारा ये ऑप्शन भी ठीक था। एक है विषय वस्तु की बेहतर समझ में। तो जब बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है तो ये विषय वस्तु की बेहतर समझ के लिए भी काम आता है। बच्चा जब सामने रहता है तो सामने देखी गई विषय वस्तु को वो ज्यादा अच्छे से समझता है, और लंबे समय के लिए ये उसके दिमाग में स्थायी हो जाती है। तो अब इसमें हमारा आंसर क्या आया, उपरोक्त सभी, कि सारे ही सही है। ऐतिहासिक जो स्थल है, ये जो भ्रमण करवाने ले जा रहे हैं, या कुल मिला के हम जब पिकनिक पे जाते हैं तो पिकनिक इन सब चीजों के लिए एक बिल्कुल सही विकल्प है। आगे देखिए, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, और उपरोक्त सभी पर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी बात की थी कि उद्देश्यों के आधार पर किसने वर्गीकरण किया था, हमारे स्मिथ ने की थी ना, उद्देश्यों के आधार पर तो किसने की थी, स्मिथ ने की थी। लेकिन हमारा जो ब्लूम है, इनकी पाठ योजना किस पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है। इनकी किस पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है। आगे देखें, सामाजिक
सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? इस क्वेश्चन पे भी बेटा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ था, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आई थी, लेकिन फिर हमारे बोर्ड ने जिसे माना उसे ही माना। और बोर्ड में हमारे जिस बोर्ड ने इसमें आंसर की में जिसे माना वो आंसर तो था ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, लेकिन मोस्टली जो टीचर्स थे, मोस्टली जो बच्चे थे, उनका जवाब इसके अंदर था ये। क्यों? क्योंकि बस यहाँ एक चीज जुड़ती है, ये तो हमारे बालक हैं और बात किसकी हो रही है, इनके स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन किसकी हो रही है, इनके स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन की बात हो रही थी और कहा कि इसके लिए सबसे अच्छी परीक्षा कौन सी है। अब हमारे बोर्ड ने इसमें आंसर मांगा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, लेकिन हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो बच्चे थे, उनके लिए इसमें आंसर था निबंधात्मक, अति लघु उत्तरात्मक, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन जब करेगा तो इतना छोटा थोड़ी करेगा कि एक लाइन लिख के रह जाएगा, हम लोग एक लाइन से तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अति लघु उत्तरात्मक एक लाइन में दो, लघु उत्तरात्मक का हमारे आता है ना 5 लाइन में दो, हाईएस्ट 5। तो जब हम लोग कभी पेपर देते थे तो याद है हमारे टाइम पे बीए भी जब होती थी तो फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे ये वाले, सेकंड पे ये हमारे अति लघु उत्तरात्मक आते थे, फिर लघु उत्तरात्मक आते थे और लास्ट में आते थे निबंधात्मक क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव में तो क्या था, फैक्ट था कि जो सही है वो ही सही है, तो वो तो क्या है, हमारा फैक्ट है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसमें कहें कि बच्चे को स्वतंत्र चिंतन की परीक्षा है और उसमें बच्चे को स्वतंत्र चिंतन के अवसर दिए जा रहे हैं या बच्चे का स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन किया जा रहा है, तो जब बच्चे को हम यहाँ रखते हैं तो एक लाइन में तो क्या करेगा, नहीं है ना, उसका चिंतन आसान ही नहीं है कि उसको फ्री छोड़ दें और फ्री छोड़ने के बाद हम उसका मूल्यांकन करें, तो ये भी नहीं होता और 5 लाइन भी नहीं होते। हमारा हमारे अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर था वो था ये निबंधात्मक प्रश्न। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो बस टिक करके रह जाते हो, अति लघु उत्तरात्मक में एक लाइन को हम लोग 4 लाइन कर देते थे और जब लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आते थे 5 नंबर के आते थे शायद, उसमें हम हमारे अकॉर्डिंग दो दो पेज भर देते थे और होता क्या था, बस 5 या 7 लाइन, लेकिन बात आती थी इसकी। यहाँ करते थे हम स्वतंत्र चिंतन, यहाँ कर सकता था कोई हमारा मूल्यांकन, यहाँ दे देते थे कि चलो ताजमहल की विषय वस्तु के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, तो देखो हमारे लिखने का तरीका, ध्यान है ना, हम सप्लीमेंट्रिया, क्यों, हमारी सोच थी कि जितनी कॉपियां भरेंगे उतने नंबर आते हैं, बस बीए में कोई फेल नहीं करता, कॉपी भरी होनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ करते हैं हम हमारा स्वतंत्र चिंतन, लिखने लगते हैं ताजमहल के बारे में और पता ही नहीं चलता कब 20 25 30 पेज तक पहुंच जाते हैं। मूल्यांकन तो कोई हमारा वहां कर सकता है कि वास्तव में इसे कितना आता है और कितना बना रहा है, तो ये हमारा मूल्यांकन कहाँ होता है, इस निबंधात्मक। हकीकत में हम क्या हैं, हमें कितना आता है और हमारी विषय जो सब्जेक्ट है उसको लेके कितनी पकड़ है, इस चीज का हमें सच में पता तब चलता है जब हमें ये वाला अवसर दिया जाए। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए था, निबंधात्मक, लेकिन इसमें माना किसने, बोर्ड ने, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा को। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन है, क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, बात किसकी हो रही है, क्षेत्र से संबंधित। तो सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है जुड़ा हुआ तो किससे है, समाज से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ किससे है, समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समाज में तो हर कोई रहता है, समाज में तो क्या है, हर कोई रहता है, हम मनुष्य भी हैं, हम लोग मनुष्य भी हैं, पशु वगैरह सभी रहते हैं, तो लेकिन पकड़ किसको लिया, इसे,
एक सब्जेक्ट को कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसका अध्ययन करता है। तो हमारा एसएसटी, हमारा सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट है किसका अध्ययन करेगा, मानवीय संबंधों का अध्ययन। किसका करेगा, मानवीय संबंधों का। क्यों, क्योंकि हमारा जो एसएसटी है उसका सब्जेक्ट ही क्या है, नाम क्या है, सामाजिक अध्ययन, कि समाज का अध्ययन करेगा। अब समाज का अध्ययन करेगा लेकिन किसका, समाज में जो लोग रहते हैं, समाज में आपस में जो लोग रहते हैं उसके मानवीय संबंधों का अध्ययन करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग आ गए, हमारे एसएसटी के क्षेत्र के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, मानवीय संबंधों का अध्ययन। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। ऑप्शन ए है, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, स्पष्ट विचार। दूसरा है, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा। और तीसरा है, नियम, परिभाषा, विधि और प्रवृत्ति की स्थापना। और लास्ट आपका है, उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। टीचर तो कौन सा हो गया, ये ज्ञान किसका दे रहा है हमें, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इससे किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना ठीक है, स्वाभाविक है, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति है जो अपने सब्जेक्ट का स्पेशल होगा या अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, उसका सबसे मेन काम क्या है, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, कि जो भी होगा उसके प्रति उसका स्पष्ट विचार होगा, खुला विचार होगा, ठीक। दूसरा है, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, कि जो भी नॉर्मली पद है या फिर जो गुण है, जो भी चीजें समाज में है उनके प्रति उसकी क्या है, स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, ठीक। और एक है, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना। एक टीचर जब अपना पढ़ाने का कार्य करता है तो बेटा वो जुड़ा हुआ इसी से होता है। क्यों, इन सब का वो इन सब चीजों में प्रयोग करता है। जब वो अध्ययन का कार्य करता है तो इन सब चीजों का क्या करता है, वो प्रयोग करता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। एक सामाजिक अध्ययन का जो टीचर होगा वो विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करेगा। सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा का भी इसमें विकास होता है। तथ्य, नियम, परिभाषा और प्रविधियों की स्थापना करना भी इसके लिए जरूरी होता है। और इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या आता है, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। कि एक टीचर जो है जब वो कक्षा में जाता है बालकों को पढ़ाता है तो कह रहे हैं कि उसे कितना समय चाहिए, उसे कितना समय चाहिए स्वयं के कथन निर्देशन के लिए। कि जब वो क्लास में बोलता है, क्लास में एक्सप्लेन करता है तो उसे कितना समय चाहिए। तो कहते हैं कि जितना समय है उसका 50% उसे खुद के लिए रखना चाहिए। कितना परसेंट रखना चाहिए, 50%। कि सपोज करो उसे आधा घंटा मिला, अब इस आधे घंटे में 15 मिनट तो उसके पास खुद के लिए होना चाहिए और 15 मिनट स्टूडेंट्स को भी देने चाहिए, ताकि किस क्या हो सके कि हमारे जो सब्जेक्ट है या हमारा जो अध्ययन है उसके पीछे जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। कि क्या होता है, शिक्षक और छात्र आमने सामने होते हैं, आमने सामने जब टीचर उनके सामने अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो क्या होता है, इससे बच्चा आसानी से सीखता है। तो टीचर को, एक टीचर जो है उसे कितना समय देना चाहिए, 50%, कि 15 मिनट वो खुद बोले, खुद समझाए, खुद चीजों को एक्सप्लेन करे, लेकिन आगे के 15 मिनट उसे क्या करने चाहिए, बालकों को भी देना चाहिए। उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं,
उनकी बातों को भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, हमारे इस टीचर की बात हो रही है कि किसे चाहिए, एक शिक्षक को सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन, ये है हमारा स्वयं के कथन निर्देशन, तो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे रीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप, उद्देश्य मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यांकन का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, और एक इसमें है उपयुक्त सभी। एक क्या है, उपयुक्त सभी। अब आप देखिए क्या है मूल्यांकन की प्रक्रिया। अगर हमारे ऑप्शंस पे जाने से पहले भी हम एक बात करें तो मूल्यांकन, इस मूल्यांकन की हमने पहले साइको में भी बात की है कि मूल्यांकन क्या है। बालक के समग्र पक्ष का अध्ययन करना या बालक के समग्र पक्ष का पता लगाना, शैक्षिक हो चाहे सह शैक्षिक हो, चाहे शैक्षिक हो चाहे सह शैक्षिक हो, तो बालक की शैक्षिक तथा सह शैक्षिक गतिविधियों का पता लगाना या उन पर अध्ययन करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अब हमारे जो ऑप्शन है इसमें देखिए कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, तो ये तो क्या कह रहा है कि उद्देश्य है, कोई भी उद्देश्य है उसका क्या करे, जो उपलब्धि है उसको विस्तार से सामने लाए। तो बेटा मूल्यांकन तो क्या है, पहली बात तो ये कि ये मूल्यांकन किया ही कब जाता है, अंत में किया जाता है। मूल्यांकन तो किया ही कब जाता है, लास्ट में किया जाता है, जब हमारा कोई कार्य हो। आज हम लोग हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं, जयपुर में आ गए, आप लोगों ने कोचिंग की, खूब अच्छे से पढ़ाई की, खूब अच्छे से आप पेपर दे के आए हो। अब ये आपका प्रोसेस था कि आप जयपुर में आए, अब यहाँ पे रहे, आपने कोचिंग ज्वाइन की, आपने तैयारी शुरू की और बहुत अच्छे से तैयारी करके और आप एग्जाम दे कर आए। लेकिन आपका मूल्यांकन कब होता है, जब आपका रिजल्ट आता है। मूल्यांकन कब हो रहा है, जब हमारा रिजल्ट आ रहा है, तब पता चलता है कि हमने कितना तो सीखा था और कितना हमसे छूट गया था। तो पहली बात ये कि मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई कब जाती है, अंत में अपनाई जाती है, ये लास्ट होता है मूल्यांकन करने का रोल। तो उद्देश्य के उपलब्धि का विस्तार का निर्धारण मूल्यांकन में नहीं होता। एक है अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, तो बेटा तुलना करना भी हमारे मूल्यांकन का काम नहीं है, तुलना करना भी हमारे मूल्यांकन का काम नहीं है। हमारा मूल्यांकन क्या है, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, कि हमारा जो रिजल्ट आया था उसके आधार पे क्या कर दिया, हमारा रिजल्ट निकाल के रख दिया कि हम ये हैं। लास्ट में हुआ इवोल्यूशन कब हुआ, बिल्कुल लास्ट में हुआ, और लास्ट में क्या निकाला, लास्ट में बता दिया कि हम क्या थे, इतना हमने पढ़ा था और ये हमारा रिजल्ट लो। वो कहते हैं यहाँ लाके हमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि ये पढ़े थे। घर वालों कहते हैं ना, इतना पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, जब ये रिजल्ट आता है ना तो पता चल जाता है कितना पढ़ते थे। अभी कितना पढ़ना क्या है, ये है हमारा मूल्यांकन। आगे इसके जो क्वेश्चन है उस पर चले एक बार। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री का प्रयोग, ये है हमारी शिक्षण सामग्री का प्रयोग। ठीक है कि हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या क्या अप्लाई हो रहा है। अगर हम पढ़ाने के अंदर शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, पाठ को लंबा करता है क्या ये। अगर हम पढ़ाने में किसी भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, जैसे मॉडल ले आए, प्रोजेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, मानचित्र बना दिया, कोई चार्ट बना दिया, पढ़ाने के लिए जब हम किसी भी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या पाठ लंबा होता है इससे, नहीं होता। बल्कि हम लोग कहते हैं ना कि एक चार्ट के अंदर तो हम उसको शॉर्ट में सारे को समझा देते हैं। तो शिक्षण सामग्री से क्या होता है, पाठ लंबा होता है, नहीं होता, छात्र उबने लगते हैं,
अगर हम क्लास में और बुक में उसे पढ़ाने लगे तो थोड़ी देर बाद सामने वाले बच्चे तो डरते हैं, जो आगे आगे बैठते हैं उनमें तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन जो पीछे बैठे रहते हैं ना, बैठे बैठे मुंह फाड़ते रहते हैं, क्या आते उबासी आने लग जाती है। तो उबते तो तब है जब यहाँ और हम इन सबको किसी भी शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, तब तो क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है। और ये जो विविध शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाने लगा है, इसके पीछे रीजन ही क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना, कि पढ़ने में बच्चे का इंटरेस्ट बनने लग जाए। तो इसे छात्र उबते हैं? नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें क्या आंसर है हमारा? इसमें हमारा आंसर आएगा सी, कि दोनों ही कथन गलत है, कि शिक्षण सामग्री से ना तो पाठ लंबा होता है और ना ही इससे छात्र उबने लगते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और अगर प्रॉब्लम हो बेटा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यापारिक रूप दिया था? किसको? प्रोजेक्ट विधि को। और हमारे बहुत से बच्चों के, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि हमें तो सीधा सा पता है प्रोजेक्ट विधि, तो कौन है, सब इसको पकड़ के ले आते, कहाँ गए ये रहे। कि प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने दी, हम सबको रटा रटाया है। परियोजना विधि के जनक कौन? हमारे किलपैट्रिक। ठीक है, यहाँ हमारा जो जॉन डीवी है वो क्या है, समस्या समाधान से संबंधित है, कि समस्या समाधान का विचार तो किसने दिया था? हमारे जॉन डीवी ने दिया था। और परियोजना विधि के प्रतिपादक हम लोग किसको मानते हैं? किलपैट्रिक को मानते हैं। और बेटा परियोजना विधि के प्रतिपादक है भी किलपैट्रिक ही, है भी किलपैट्रिक ही, लेकिन इसमें वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली को व्यापारिक रूप जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था स्टीवेंसन। प्रतिपादक किसे माना हमने? किलपैट्रिक को ही मान रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक में या वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली में जो व्यापारिक रूप दिया था ना, वो ये व्यापारिक रूप किसने दिया था? वो दिया था इस स्टीवेंसन ने। तो कंफ्यूज नहीं होना, शिक्षा प्रणाली का व्यापारिक रूप किसने दिया? स्टीवेंसन ने। लेकिन परियोजना विधि के अगर प्रतिपादक की बात आए तो हमारे कौन है? किलपैट्रिक ही है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, और शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए, और शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। अब बताएं इसमें आप, इसमें आंसर हमारा क्या आएगा? सामाजिक विज्ञान विषय अध्ययन की क्या आवश्यकता है, और अब इसमें क्या आएगा? हमारा आंसर ए है, ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, और शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। और अगर हम एक शॉर्ट रूप में इसकी बात करें ना, तो ये सारे ही सही है, सारे ही क्या है, सही है, लेकिन आंसर तो एक है। अब वो एक आंसर कैसे निकल के आ रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जो हमारा विषय है, जो हमारा विषय है, उसमें क्या किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है, उसमें समाज का अध्ययन किया। अब समाज में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। अब ये जो लोग हैं इनके बीच में क्या है? ढांचागत सुविधाओं के विकास की इन लोगों को जरूरत है, तो है ढांचागत विकास, रहने की जो आधारभूत जगह होनी चाहिए उन सब की आवश्यकता सबको होती है, तो होनी चाहिए। तीव्र आर्थिक विकास भी सबकी आवश्यकता होती है, तीव्र आर्थिक विकास भी सबकी आवश्यकता है, और शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका ऑप्शन बन जाता है हमारा ए। क्यों? क्योंकि इस ए के अंदर ये तीनों भी मिले हुए हैं, इस ए ऑप्शन में ये तीनों भी इंक्लूड हैं। कैसे हैं वो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना
उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए कि हमारे समाज जो है, समाज में सांस्कृतिक संरचनाएं कि बहुत तरह के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना कल्चर होता है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, सबका अपना अपना सब कुछ अलग अलग होता है, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, खूब तरह के लोग होते हैं। तो एक समाज है, उसमें विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। अब इन विभिन्न तरह के लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता और क्या है उसका पर्यावरण, एनवायरमेंट। हर व्यक्ति का अपना अपना एनवायरमेंट होता है। हो सकता है मैं दूसरे से मैच ना खाऊं, या दूसरे से हटके मेरी जरूरतें हों। हर व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न होता है, और हर व्यक्ति की एक दूसरे से हटके आवश्यकताएं भी होती हैं। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्यों? क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? नवीन संकल्पना कौन सी है किसकी? हम सामाजिक विज्ञान की। तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का काम है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, ठीक है। दूसरा, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन। तो प्रथाओं का अध्ययन, स्पेशली किसी प्रथा का अध्ययन तो करते नहीं है, लेकिन वैसे जब हम पढ़ते हैं तो प्रथाएं अपने आप ही निकल के आती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान का ये काम नहीं है कि वो क्या करे, स्पेशली सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करे। एक है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, एक क्या है अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो सामाजिक विज्ञान विषय अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन ये नहीं है कि वो क्या है कि स्पष्ट रूप से सामाजिक संबंधों का, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहा है। इसमें एक ऑप्शन है जिसमें हमारी चीजें मिलती है, और वो क्या है, मानवीय संबंध। क्या है? मानवीय संबंध। अब जब ये मानवीय संबंध की बात आ गई तो सारे समाज में है, और समाज में आपस में मानवीय संबंध की लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनकी आवश्यकताएं कैसी हैं, उनकी जो भी सूचनाएं होती हैं, इन सबको एकत्र करने का काम किसका होता है, हमारे सामाजिक विज्ञान का होता है। तो आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? और बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट 2012 में। क्वेश्चन हमारा आया हुआ है रीट 2012 में। इस क्वेश्चन को लेकर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, और इसमें भी हमारे बोर्ड ने दो आंसर माने थे। कितने माने? दो आंसर माने थे। क्यों? क्योंकि इसको लेकर भी प्रॉब्लम हुई थी, और इसके आंसर भी कंफर्म नहीं हो सका था, इसलिए कितने आंसर माने इसमें? दो आंसर माने। लेकिन पहले ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? पहली, स्थिति, बनावट और स्तर। नीचे से शुरू करते हैं, प्रयोगों की सुविधा, कि प्रयोग करने की सुविधा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि कक्षा कक्ष में सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके लिए कक्षाओं में प्रयोगों की सुविधा इतना अप्लाइड नहीं है, ठीक है, तो उनकी मुख्य रूप से ये आवश्यकता सामाजिक विज्ञान के लिए तो नहीं है। दूसरी है प्रदर्शन की सुविधा। दूसरी क्या है? प्रदर्शन की सुविधा, कि बालकों को जो भी कुछ सिखाया जाए वो सब कुछ क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए, या हर चीज को दिखा दिखा के सिखाया जाए। तो ये भी क्या है, कक्षा कक्ष की, ध्यान रखना बेटा, ये सारी आवश्यकताएं हैं। बात सिर्फ किसकी हो रही है? प्रमुख आवश्यकता की। अगर हम बच्चों को सिखाएं कुछ तो प्रयोग जरूरी है, प्रदर्शन भी। कई बार हम बच्चों को कई चीजें दिखा दिखा कर ही करते हैं, तो ये नहीं है कि ये आवश्यकता नहीं है, ये चारों ही आवश्यकताएं हैं, लेकिन बात हो रही है मुख्य आवश्यकता की। बात किसकी हो रही है? मुख्य आवश्यकता की। और इस मुख्य आवश्यकता में एक तो है ये और एक है ये। हमारे बोर्ड ने इन दोनों को आंसर माना, दोनों को ठीक बता दिया कि ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन कैसे? अब कहें कि कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना। कक्षा कक्ष में क्या? पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना।
कि ये जरूरी है। क्या है? ये जरूरी है। लेकिन लाइब्रेरी, पुस्तकालय क्या है? हमारी लाइब्रेरी और वाचनालय, क्या एक जगह सही है? नहीं, हमारे अकॉर्डिंग भी आंसर दो ही बनते हैं, लेकिन अगर उन दो आंसर से हम लोग बात करें तो एक तो बनता है ये कि बच्चा जब पढ़ता है तो कक्षा की स्थिति, बनावट और स्थान बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कि हमारी जो कक्षा है किस स्थान पर है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। सपोज करो क्लास में है, टूटी फूटी दीवारें होंगी, फैन भी होंगे नहीं, तो बच्चे पढ़ लेंगे क्या? हमारा ध्यान ही यूं रहता है। हम जो कई बार पेपर देने जाते हैं कंपटीशन के, तो जब क्लास में बैठते हैं ना, तो आधा मूड तो क्या होता है, क्लास को देख के खराब हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल होता है, टूटी फूटी दीवारें, पंखा है वो वहाँ चलता रहता है, पूरी क्लास में एक पंखा, तो कुछ तो क्या होता है, वही हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि कक्षा का कैसी होनी चाहिए, कि स्थिति, बनावट और स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि कक्षा कैसी है, किस जगह पर है, वो बनी हुई कैसे है, ये चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्रमुख आवश्यकता थी ये वाली, और इसके बाद जो मुख्य आवश्यकता थी वो होनी चाहिए थी ये, प्रदर्शन की सुविधा, कि बच्चों को जब हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, कि बच्चों को हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करा सके या प्रत्यक्ष ज्ञान भी उनको दे सके। दो चीजें थी, कौन से आंसर होने चाहिए, ये दो, ए और सी। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन सारे के सारे आपके स्क्रीन पर है, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को विकसित करने में। तो बेटा ज्ञान तो जरूरी है, ठीक है, ज्ञान तो जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें यहीं से शुरू होते हैं, कि हमारी समझ कहाँ तक है, हमारी नॉलेज कहाँ तक है, ये तो जरूरी है। दूसरी है कुशलता, कि हमारे हम में कितने स्किल्स हैं इन चीज़ों में, स्किल भी बहुत काम आती है। और एक है हमारी अभिव्यक्ति, कि उसे प्रेजेंट करने का हमारा तरीका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कक्षा कक्ष को विकसित करने में क्या होता है, ये सारे ही अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है। अब आइए समस्या, तो देखो आपकी समस्याएं क्या है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या क्या है? छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक, और पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। अब देखो इस क्वेश्चन को, बताओ एक बार, हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा रीट 2012 में। क्वेश्चन कब आया था? रीट 2012 में। अब देखिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या, छोटे कक्षा कक्ष, तो प्रमुख समस्या में हम छोटे कक्षा कक्ष को तो शामिल नहीं कर सकते, ठीक है, कि कक्षा छोटी हो, प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं कह सकते कि पढ़ाने के लिए क्लास बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जितने बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग भी अगर स्पेस ठीक है तो ठीक है। एक है हमारा अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, एक है अप्रशिक्षित अध्यापक। तो ये समस्या तो है कि अगर अप्रशिक्षित अध्यापक होगा तो बच्चों कुछ करा ही नहीं पाएगा, तो ये तो समस्या अप्रशिक्षित अध्यापक की ठीक है। लेकिन बेटा जो अप्रशिक्षित रहेगा, जिसे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी, वो क्या टीचर बन के स्टेज पे खड़ा हो सकता है? नहीं। पुस्तकालय सुविधाओं में कमी, ये भी हमारी समस्या है। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो जो सामने रखी हुई है वो सारी ही क्या है, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं हैं। पुस्तकालय सुविधाओं में कमी होगी तो भी प्रॉब्लम आती है, टीचर में ही अगर नॉलेज नहीं होगी तो भी इसमें प्रॉब्लम आती है,
अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना ये भी ठीक है और छोटे कक्षा कक्ष भी ठीक है, लेकिन अगर मुख्य रूप से कहे किसी एक पर बल देना तो वो एक इसमें क्या आएगा, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि का होना। क्योंकि आज जो प्रेजेंट टाइम पे जो समस्या है वो सबसे बड़ी कौन सी है, यही समस्या है क्या, कि जो भी बच्चे होते हैं या जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में, टीचर एक होता है और बच्चे 60-60 होते हैं। अब एक टीचर सब बच्चों को पढ़ाता है, 1 घंटे का उसके पास समय होता है, इस समय सीमा में इन 60 बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाना उस एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आज प्रेजेंट टाइम पर तो सबसे बड़ी समस्या तो कौन सी है, ये है कि अध्यापक और छात्र में जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारे जो बोर्ड था उसने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को ही बोनस अंक दे दिए। किसको कर दिया, बोनस दे दिया कि इसमें सभी क्या है, सारे सही है, क्योंकि समस्याएं तो ये सारी ही थी, लेकिन मुख्य रूप से जिस समस्या की हम बात करते तो वो हमारे अकॉर्डिंग थी ये, लेकिन बोर्ड ने इसको भी क्या कर दिया, बोनस अंक दे दिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, मूल्यांकन का इसका उद्देश्य पूछ रहे हैं। अब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास, इसमें बताएं आप कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले हम बात करें मूल्यांकन की, अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मूल्यांकन कब किया जाता है, सबसे अंत में किया जाता है। मूल्यांकन कब किया जाता है, मूल्यांकन सबसे अंत में किया जाता है, और जब मूल्यांकन अंत में किया जाता है तो मूल्यांकन किया किस पे जाता है, मूल्यांकन की जो विधि है ये विधि अपनाई किस पे जाती है, बालकों पे अपनाई जाती है, उसकी ही क्या किया जाता है, शैक्षिक और शैक्षिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस विधि को अप्लाई ही किस पे किया जाता है, हमारे बच्चों पे अप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, छात्रों के ज्ञान की जांच, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है, किसकी, अच्छे मूल्यांकन की बात अब भी यहाँ क्या आ गई है, इसी मूल्यांकन इवोल्यूशन की, कि अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। आप देखिए, अब इसमें हमने पहले भी एक बार मूल्यांकन से रिलेटेड बातें की थी, मूल्यांकन, मापन, आकलन, तीनों बातें की थी। अब मूल्यांकन, आकलन और मापन में हम क्या कर रहे थे, बच्चों का ही मूल्यांकन कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या पूछ लिया, ये विशेषता, और विशेषता भी क्या नहीं है, वैधता और विश्वसनीयता। तो हमने उपलब्धि परीक्षण में पढ़े थे ना कि वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की बात तो हमने की थी। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए। वैध कैसा, कि जिस चीज का पता करने के लिए हमने जिस पेपर या जिस प्रकरण का प्रयोग किया है उससे उसी चीज का पता होना चाहिए, तब तो क्या है, वैध। विश्वसनीय, जिस पे समय, देश और काल का, स्थिति, समय, देश का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, वो क्या है, हमारी विश्वसनीयता। एक है हमारी निदानात्मकता, निदानात्मकता क्या है इसमें, मूल्यांकन किया, मूल्यांकन के द्वारा बालक की समस्याओं का पता किया। अब किसी भी समस्या का पता करना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो ये भी हमारे मूल्यांकन का कार्य है। हमारे मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है, नकारात्मकता, ये क्या है, ये मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, मूल्यांकन के लिए, अनुभव साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो ठीक है, जब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, मनोरंजन तो होता है,
अनुभविक साक्ष्य के लिए और मूल्यांकन के लिए। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, और इसमें हमारा आंसर आएगा अनुभविक साक्ष्य के लिए, कि जब हमें पिकनिक पर लेके जाते हैं तो लेके जाने के पीछे जो मेन रीजन होता है, वो रीजन होता ही क्या है कि पिकनिक पर लेकर जाए, जिस जगह हम लेकर जा रहे हैं उसको क्या क्या बच्चा सामने देखेगा, प्रत्यक्ष देखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, और प्रत्यक्ष देखी गई विषय वस्तु से क्या करता है, बच्चा अधिक सीखता है, शीघ्रता से सीखता है, और ये चीजें लंबे समय तक के लिए क्या होती है, उसके दिमाग में स्थायी होती है। तो इसमें मुख्य रूप से हमारा आंसर क्या आएगा, अनुभविक साक्ष्य के लिए। अब एक चीज देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पढ़ते ही रहते हैं हम वैसे भी। तो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है? मॉडल भी उपयोगी होता है, संग्रहालय भी, कि ठीक है बच्चों को म्यूजियम में ले जाओ वो भी ठीक है, ड्राइंग का कोई भी मटेरियल हो वो भी ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात करें तो क्या, दृश्य श्रव्य सामग्री, कि सामग्री कैसी होनी चाहिए, बच्चा उसे देख भी सके और उसे सुन भी सके, ये क्या है सबसे उपयोगी है। तो सबसे उपयोगी हमारी क्या हो जाएगी इसमें, दृश्य श्रव्य सामग्री। आज तक के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो स्टूडेंट्स यहीं तक। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसको लेकर अगर आप में थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी उसे मैं क्लियर करूँगी। जब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आगे नहीं जाएंगे, और जिसमें भी कन्फ्यूजन होगी उस क्वेश्चन को हम फिर से नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। इसलिए अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आज तक यही, हमारी आगे की नेक्स्ट क्लासेस के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।